मैं तेरी हर जिद मान लूंगा कोई तीसरा शामिल ना हो क्या आप हमारे साथ सिनेमा चलेंगी? अस्सी के दशक का सदाबहार गाना एक हसीना थी एक दीवाना था जिसकी धुन पर पूरा इंडिया झूमा ऋषि कपूर टीना अंबानी और सिमी ग्रेवाल स्टारर फिल्म कर्ज एक हसीना थी एक दीवाना था गाना आज भी लोगों की जुबान पर कायम है इस गाने की धुन की वजह से फिल्म कर्ज का बैकबोन सॉन्ग रहा सुभाष घई के प्रोडक्शन हाउस में बनी ये पहली फिल्म रही सुभाष घई मैंशन इन एन इंटरव्यू की इस ट्यून पे फिल्म को पिक्चराइज किया गया था फिर प्यारे लाल जी को रिक्वेस्ट कर गाना बनाने के लिए कहा इनिशियली उन्होंने मना कर दिया था ये कहकर कि कुछ इंस्ट्रूमेंटल ट्यून्स होती हैं जिन्हें वर्ड्स में फिट नहीं किया जा सकता सुभाष घई अग्रीड ऑन दैट एंड सेड यस देर आर मेनी ट्यून्स बट मेरी फिल्म की ये रिदम बन चुकी है अगर आप इसको कम्पोज कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा फिर आनंद बख्शी जी को बुलाया और उन्होंने फिर ये गाना लिखा एक हसीना थी एक दीवाना था इस गाने की खासियत ये है की पूरे गाने में आपको पूरी फिल्म की कहानी इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले के साथ बताई गई है वही टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस सॉन्ग लिरिक्सिस्ट आनंद बख्शी एंड डायरेक्टर सुभाष घई जस्टिफाई द टाइटल ऑफ दिस फिल्म कर्ज फिर ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने कम्पोज किया जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर भी मिला सुभाष घाई डायरेक्टोरियल कर्ज वॉज इंस्पायर्ड बाय बिमल्स रॉय मधुमती देन कर्ज से इंस्पायर होकर शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोन स्टारर फिल्म ओम शांति ओम का क्लाइमेक्स सीन एंड सॉन्ग ओम शांति ओम का पिक्चराइजेशन एक हसीना थी सॉन्ग से ही इन्फ्लुएंस्ड है ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में खास तौर पर इस गाने का जिक्र किया है उनके करियर में बहुत गाने रहे जिनसे उन्हें पहचान मिली लेकिन एक हसीना थी उनके लिए हमेशा खास रहा और रहेगा द सॉन्ग वॉज इंस्पायर्ड बाय जॉर्ज बैंस वी इज लव दैट वॉज रिलीज इन नाइनटीन सेवेंटी एट एंड फिल्म कर्ज मेड इन नाइनटीन एटी पहले सुभाष घई ने इस गाने का स्क्रीन प्ले प्यारे लाल जी को सुनाया उसके बाद प्यारे लाल जी को और भी नोट्स एड ऑन करने पड़े एक हसीना थी जिसे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी की जोड़ी ने कंपोज किया वही ये गाना एवरग्रीन लिरिक्सिस्ट आनंद बख्शी ने लिखा एंड प्लेबैक सिंगर आशा भोसले और किशोर कुमार ने गाया मल्टी टैलेंटेड जीनियस किशोर कुमार ने हाई पिच और वेरिएशन में गाकर इस सॉन्ग को एवरग्रीन बना दिया एंड who will say after listening this song that Kishorda sang this song after his first heart attack at the age of 51 and who will say after listening this song that Kishorda sang this song after his first heart attack at the age of 51 and he still rode like a share in this song rishi kapoor playing the stage performer monty dance on this masterpiece ikhasinati ik Tha.

तो वो मुझसे ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे इस फिल्म में काम करने के लिए मैंने अपने पूरे करियर में ऋषि के साथ एक फिल्म की लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा कायम रही कर्ज फिल्म का रीमेक एक लेट एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक ने भी बनाया ईयर 2008 में एक हसीना थी टाइटल से ही डायरेक्टर श्री राम राघोवन ने फिल्म भी बनाई हाल ही में रिलीज तापसी पन्नू विक्रांत मैसी और सनी कौशल स्टारर फिर आई हसीन दिलरुआ फिल्म ट्रेलर में भी बैकग्राउंड में एक हसीना थी सॉन्ग का इस्तेमाल किया गया है इस गाने से ट्रेलर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं एक और गाने और उसकी किस्सों और कहानियों के साथ थैंक यू